For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है. मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से किया है, 1975-6 सेशन. और मैंने उसके बाद आर्मी ज्वाइन की 2 ईयर एज ए कैप्टन छोड़ा, और मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर डेमोंस्ट्रेटर, जो कि मैंने 2 साल किया. उसके बाद मैं MPhil के लिए सिलेक्ट हुआ इन हीमेटोलॉजी, जिसमें मेरी ट्रेनिंग हुई. उसके बाद मुझे ऑस्ट्रिया में अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया इन स्पेशलाइज्ड मेडिसिन एंड हीमेटोलॉजी. उसके बाद मैंने यूके में हैमरस्मिथ लंदन में ट्रेनिंग की, और इसी दौरान आते ही लेबेक्स क्लिनिक जे रोड एक मशहूर लेबॉर्टरी थी, जो कि मैंने 20 साल के लिए वो चलाई एज ए पैथोलॉजिस्ट, एज हीमेटोलॉजिस्ट. और उसके बाद मैंने सर्जीमेट ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसका बाद में जाकर के मेडिकल कॉलेज भी बना. मैं उसका भी डायरेक्टर हूँ. और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में भी पार्टिसिपेट करता रहूँ. मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम बीमारियों से रहा, जिसमें मैंने बहुत रिसर्च का काम किया और जिसको मैंने प्रैक्टिस भी किया, जो अब तक तकरीबन मुझे 37 ईयर हो गए हैं कि मैं यही काम करता आया हूँ. और उसमें मैंने अपनी ट्रेनिंग और अपनी जितनी थी रिसर्च उसको फोकस किया. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो अनीमिया की है, और ये अनीमिया जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है, लेकिन हमारी ईस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है. अनीमिया जो है वो खून की कमी को कहते हैं, और खून की कमी इसलिए होती है कि उसमें जो रेड ब्लड सेल हैं और वाइट ब्लड सेल हैं, लेकिन मेनली रेड ब्लड सेल हैं, वो या तो कम हो जाते हैं या उनका साइज छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, या तीसरा ग्रुप है जिसमें छोटा और बड़ा दोनों पाए जाते हैं. और मेरी जो रिसर्च है, मैंने इस चीज़ पे फोकस किया कि जो हमारी मशीनरी, जो CBC की मशीनें रिजल्ट दे रही हैं, उसमें एक जो प्रिंटेड, सबको पता होगा जो प्रिंटेड रिजल्ट मिलते हैं CBC की मशीन से, उसमें एक रिजल्ट होता है MCV, मीन सेल वॉल्यूम कह लें, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कह लें, तो वो नॉर्मल रेंज में नज़र आता है, लेकिन मरीज को बहुत ज़्यादा अनीमिया और खून की कमी होती है. तो ये मैंने रिसर्च किया कि जो इनबॉर्न एरर है उस मशीन की, कि वो छोटा सेल और बड़ा सेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती. जो सेल ज़्यादा होते हैं उसी को वो एवरेज बना के तो उसी को वो बता देती है, तो मर्ज छुप जाता है. मेरा रिसर्च जो है वो ये है कि जब हम फिल्म बनाकर उसको देखते हैं कि उसमें छोटे सेल भी हैं, बड़े सेल भी हैं, तो हो सकता है उसमें छोटे RBC की बीमारी भी हो और ओवर साइज लार्ज RBC की बीमारी हो. तो हम इसको एलैबोरेट करके तो फिर उस पेशेंट को या जो रेफरिंग डॉक्टर साहब होते हैं उनसे रब्ता करके हम अपनी रिपोर्ट के ज़रिए भी और टेलीफोनिक भी बताते हैं कि इस पेशेंट का बेशक रिपोर्ट में प्रिंट जो है वो नॉर्मल ही MCV आ रहा है, मगर उसमें दोनों तरह के सेल पाए जा रहे हैं और एवरेज वो नॉर्मल दे रहा है, लेकिन उसकी बीमारी जो है वो डबल डेफिशिएंसी एनीमिया, स्मॉल सेल एंड लार्ज RBC दोनों की है. अब जो स्मॉल RBC हैं वो जो होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी से होते हैं, और जो लार्ज सेल हैं वो B12, फोलिक एसिड और डिफरेंट दवाइयों, कीमो के हों या इंग्लिश दवाइयां हों या कीमोथेरेपी हो, उस वजह से लार्ज सेल एनीमिया होता है. तो डॉक्टर साहब उस वक्त तक इलाज नहीं कर सकते जब तक के
हीमाटोलॉजिस्ट या रेफरिंग जो लेबॉरेटरी है वो गाइड ना करे कि आप छोटे सेल को ट्रीट करें या बड़े सेल को ट्रीटमेंट करें या दोनों की ट्रीटमेंट करें, तब तक मरीज ठीक नहीं होता। और अल्टीमेटली क्या होता है कि पेशेंट पीला होते 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 कमज़ोरी भी होती है, उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ होती है, उसके मामलात बिगड़ते जाते हैं, वो दवाइयाँ भी खाता जाता है, और यही गिला होता है कि जनाब मैं इतनी इलाज करा बैठा हूँ, मुझे आज तक फाका नहीं हुआ, मेरी कमज़ोरी भी बढ़ती जाती है और पीलापन भी है, थकावट भी होती है। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च में ला के हमने गाइड किया है कि इसको आप आयरन दें, इसको आप B12 फोलिक एसिड दें, या इसकी फलां फलां दवाइयाँ बंद करें, या इसको आयरन सप्लीमेंट दें, तो इस तरह से मरीज का इलाज हो जाता है। अनीमिया की वजूहात आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी, B12 की कमी या पुअर इनटेक, इन चीज़ों में खुराक में ना मिला तो अनीमिया हो गया। अनीमिया की और काजेज भी हैं कि ब्रीडिंग ज़्यादा होगी, उसकी प्लेलेट कम होगी। अब प्लेलेट के बारे में भी मेरी रिसर्च थी जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, डेंगी विद डॉक्टर जफर, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम बताया और रिसर्च में करके बताया कि जो प्लेलेट एग्रीगेट बना रही थी वो मशीनों ने नोट नहीं की, और जब मशीन बता ही नहीं रही कि प्लेलेट कम है, क्योंकि जो एग्रीगेट और गुच्छे की शक्ल में प्लेलेट होती हैं वो ज़ीरो आती हैं, तो अननेसेसरी प्लेलेट लोगों ने दी जिसका नुकसान भी हुआ, कई अमवात भी हुई। तो हमने ये भी रिसर्च करके बताया कि डेंगू में ख़ास तौर पे क्लंप बन रहे थे और एग्रीगेट बन रहे थे, तो उसमें आप प्लेलेट मत दें, लेकिन मशीन लो बता रही है, पेशेंट ब्लीड नहीं कर रहा था, तो नुकसान भी हुए। हमने ये अवेयरनेस भी लाई, तो मैंने सारे कॉलेज में, कई कॉलेज में मैंने लेक्चर दिए, हमारी सीडीज़ गई, तो अल्लाह का करना हुआ बेहतर हुआ कि आज वो एक्सेप्टेड हुआ, और अब एक्चुअल लोग देख रहे हैं कि प्लेलेट की कमी वाकई थी या हम वैसे ही प्लेलेट देना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमने दूसरी बीमारियां भी निकाली जो कि बोन मैरो को डिप्रेस करती थी। कई दवाइयां ऐसी हैं, कई बीमारियां ऐसी हैं, कई वायरस ऐसे हैं, कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बोन मैरो को डिप्रेस करते हैं, और जो इलाज है वो उसके मुताबिक होता है तशख़ीस के बाद, जो कि हम लोग, मैं ख़ास तौर पे अपनी लेबॉरेटरी में, मेरे जो ट्रेन डॉक्टर हैं, हम देखते हैं कि जो ब्लड के अंदर वाइट सेल हैं उसके अंदर वायरस के सेल हैं, वायरस स्टिमुलेटेड, वायरस नज़र नहीं आता, लेकिन जो सेल वायरस के साथ फाइट करते हैं, प्लाज्माइड सेल, लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स, वो अगर ज़्यादा हैं तो हम समझते हैं ये वायरल है। अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा हैं तो हम समझते हैं कि दिस इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसी तरह देर आर फंगल इन्फेक्शंस। तो एक्चुअली जब तक मरीज़ की पूरी बॉडी तशखीस, सिम्टम, अपेरेंस, उसका ब्लड, सारी चीज़ें ना देखी जाएं, कोई जिस्म के ऊपर कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं है, उसके बगल के नीचे गिल्टी नहीं है, उसके गर्दन के साथ गिल्टी नहीं है, तो वो भी देखना पड़ता है, और उसके अलावा ESR, CRP ये चीज़ें देखनी होती हैं कि बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। इसी तरह हम कैंसर अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लें तो इलाज मुमकिन होता है। बाज़ लेबॉरेटरीज़ बड़े बड़े नाम हैं मगर वो बताने से कासिर होती हैं कि इसमें क्या चीज़ चल रही है, तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हमारे पास जो लोग पहुँचे हैं माशाल्लाह, वो सारे के सारे 100% नहीं तो 95% क्योर हुए हैं, लेकिन जो जिसको तशखीस हो जाए उसी का इलाज होता है, ये ज़हन में रखना चाहिए कि उसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं उसके जिस्म में। प्रेजेंटली मैं काम कर रहा हूँ सर्जेमेंट हॉस्पिटल में, पैथोलॉजिस्ट हूँ। इससे पहले लैबेक्स लेबॉरेटरी में मैंने 20 साल हमने किया है, और प्रॉबेबली वो लाहौर में नंबर 1-2 पे रही है, और सर्जेमेंट हॉस्पिटल के सामने लैबेक्स के नाम से चलती रही है। अब हमारी सर्जेमेंट लैब, क्योंकि सर्जेमेंट ग्रुप के साथ मैं हूँ, हमारा मेडिकल कॉलेज भी है और हम रिसर्च भी कर रहे हैं और हम वहाँ पे मरीजों को भी देख रहे हैं, तो हम ये बात बताना चाहते हैं, मेरा ग्रुप, मैं, कि हम स्पेशलाइज्ड तरीके से हम लेटेस्ट रिसर्च करके मरीज़ की डायग्नोसिस कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी है, शेड्यूल देखना है और जगह मैं किस टाइम पे कहाँ बैठा हूँ,
तो मरहम से आप रब्ता कर सकते हैं, और मैं इनके पैनल पे हूँ और खून की बीमारियों के मुतलका और दूसरी बीमारियों के मुतलका मैं गाइड कर सकता हूँ।